दोस्तों ढाबा स्टाइल पनीर आप देखिए काफ़ी अच्छे से बना है और इसका जो ग्रेवी का टेक्सचर है, कलर देखिए आप, बहुत अच्छा है। पनीर भी इसमें कितना सॉफ्ट दिख रहा है। मैं आपको उठाकर यहाँ पे पनीर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। ग्रेवी का आप टेक्सचर देख सकते हैं, घर पर बनाइए बिल्कुल ढाबे जैसा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 बड़े ऑनियन लिए हैं और 1 टोमेटो यूज़ किया है मैंने, छोटी कप दही है बट ये दही खट्टी नहीं हो। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर 1 रेड मिर्ची ली है, तेज़पत्ता लिया है, बड़ी इलायची ली है, मैं यहाँ पर दालचीनी लिया है और यहाँ पे मैंने लौंग, काली मिर्च ली है 2। जो खाली कटोरी है दोस्तों वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मसाला बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून यहाँ पे रोस्टेड बेसन लिए। आप भी बेसन को जो है थोड़ा रोस्ट कर लें, इससे जो ढाबा स्टाइल का स्वाद है वो काफ़ी अच्छा आता है। और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 2 चम्मच यहाँ पे हम कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे, आप भी 2 चम्मच यूज़ करें या फिर मसाले की जो कंसिस्टेंसी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर यूज़ करूँगी। तो मसाले की प्रोसेस हो चुकी है और अब जो है पनीर को काटेंगे हम। पनीर को मैं यहाँ पर बड़े शेप्स में काटूंगी और पनीर मैंने बाहर से खरीद के लाया है, आप चाहें तो पनीर भी घर में बना सकते हैं। तो पनीर को देखिए मैं बड़े शेप में काट रही हूँ, जो ढाबा स्टाइल पनीर है उसमें बड़े शेप की पनीर काफ़ी अच्छी दिखती है, तो मैंने इस साइज़ की पनीर काट ली है। जो दही है ध्यान रखें खट्टी ना हो। यहाँ पे जो जिंजर गार्लिक और चिली है उसका हम पेस्ट तैयार करेंगे और इसके लिए मिक्सी का यूज़ ना करें, इससे ढाबा स्टाइल का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारा पेस्ट है जो वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स जो पनीर लिया है हमने तो उसमें थोड़ा पानी होता है, इसके लिए हम पनीर को थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा रेड मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, इससे जो पनीर है उसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको इसे 1 मिनट के लिए रख देना है। जो टमाटर और प्याज हमने लिया है इसको मैं ग्रेट करके यूज़ करूँगी, इसके लिए भी मिक्सी का यूज़ ना करें और दही आप इतनी ही यूज़ करें। तो अब जो है टमाटर और प्याज मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और काफ़ी अच्छे से हो चुका है। तो अब हम पनीर को फ्राई करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो टोप है इसे काफ़ी अच्छे से गर्म होने दें, फिर यहाँ पर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को आपको काफ़ी तेज़ फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है, फिर फ्लेम को ऑफ कर दें और यहाँ पर पनीर डाल के आपको 1 मिनट तक रख देना है गर्म ऑयल में। आपको इसे आँच पे नहीं पकाना है, नहीं तो पनीर आपका रबर जैसा बन जाएगा। आप एक बार इसे अच्छे से चला लें पनीर को। तो अब मैं पनीर को निकाल लूँगी, यहाँ पर ये गरम में फ्राई हो चुका है गरम तेल में। अब उसी ऑयल में मैं ग्रेवी बनाऊँगी, तो एक एक करके मैं यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने दालचीनी डाल दिया और एक एक करके सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपना अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर आप ग्रेट किए हुए ऑनियन्स ऐड कर दें और लगभग 5 मिनट तक अच्छे से पका लें, उसके बाद ये ऐसे दिखने लगेगा। तो यही समय आप यहाँ पर जो टोमेटो की प्योरी बनाकर रखी है उसे भी ऐड कर दें। इसे डालने के बाद भी लगभग आपको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है, अच्छे से चला दें और इसे 5 मिनट तक पकाएं। अब यहाँ पे जो हमने सूखे मसाले बनाए थे उसे ऐड कर दे रही हूँ और अब यहाँ पे मैं गरम मसाला डालूंगी। 2 चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड की हूँ और 1 टीस्पून यहाँ पे टर्मरिक ऐड कर रही हूँ। इसे डालने के बाद आप अच्छे से चला दें, इससे जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा सभी मसालों का। और लगभग 2 मिनट तक आपको इसे अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो 2 मिनट बाद आप देखिए यहाँ पे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर दही डाल देंगे, दही को पतला कर लें और लगातार चलाते रहें दोस्तों, नहीं तो आपकी दही जो है वो फटना स्टार्ट हो जाएगी।
तो दही डालने के बाद आप देखिए ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही है। अब आप इसे लगभग 5 मिनट तक पका लें। 5 मिनट के बाद आप देखिए यहाँ पर ऑयल जो है वो निकलने लगा है और ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। इसे अच्छे से पका लें तो इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और पकने के बाद आप यहाँ पर पानी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है, आप चाहें तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे अब अच्छे से चला लें और मीडियम फ्लेम पर इसको 8 मिनट तक पकने दें। तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। 8 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है और इसे पकाने के बाद आपको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देना है और जब ऐसा कलर हो जाए तो यही समय है कि आपने जो फ्राई पनीर से उसे ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पर पनीर को ऐड कर रही हूँ। तो पनीर ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से चला दें। पनीर यहाँ पर अच्छे से चलाने से आपका जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो पनीर में काफ़ी अच्छे से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रेवी जो है वो कितनी अच्छी पक चुकी है और काफ़ी अच्छी बनी है, इसीलिए यहाँ पर जो मसाले हैं वो ग्रेट करके यूज़ किए जाते हैं। अब मैं इसे पकने के लिए थोड़ा छोड़ दूँगी, 3 मिनट तक इसको मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो ग्रेवी है, यहाँ पर दही और जो बेसन है उसको डालने से ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप भी उन दोनों चीज़ों का यूज़ करें, दही और बेसन का। 3 मिनट के बाद यहाँ पर बॉइलिंग काफ़ी तेज़ से स्टार्ट हो चुकी है और ग्रेवी को आपको उठाकर दिखाती हूँ कितना अच्छा पक चुका है। पनीर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गया है। इसे दो बार अच्छे से चला दें ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लगभग 3 मिनट के बाद आप देखिए यहाँ पर ऑयल जो है वो थोड़ा ऊपर आने लगा है और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छे स्पीड से बॉइलिंग होने लगी है। तो और 3 मिनट के बाद पकाने के बाद आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। तो बस ये एंडिंग पॉइंट पर पक रहा है, आपको इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है लास्ट के 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अब पूरी तरह से ऊपर आ गया है और जो रेसिपी है ढाबा स्टाइल पनीर वो पूरी तरह से बन चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे मैं सर्विंग के लिए निकालने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। इसके बाद मैं सर्विंग बॉल में इसे निकाल दे रही हूँ। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो पनीर के पीसेस हैं वो बड़े दिख रहे हैं, तो आप अपने पसंद से शेप में काट लें। इसे खाने में आप राइस के साथ या पूरी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। देखिए आप इसका टेक्सचर भी बहुत सुंदर दिख रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।